तो फाइनली आज का रॉ का एपिसोड ख़त्म हो चुका है एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अटैक के साथ जो कि था सेथ रॉलिंस के ऊपर। यस, आज के रॉ के एपिसोड में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होनी थी जो कि सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के मैच के लिए थी एंड ये आज के रॉ के एपिसोड का मेन इवेंट था। एंड भाई जब WWE ने ये चीज़ अनाउंस करी थी कि ये मेन इवेंट होने वाला है तो हम सब समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बवाल होने ही वाला है। एंड बात करते हैं हम लोग डायरेक्टली मेन इवेंट की, तो जब हमारा मेन इवेंट आता है यहाँ पर से सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर दोनों रिंग में आने के बाद टेबल के साइड में बैठ जाते हैं। एंड भाई जैसे ही वो लोग बैठते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ प्रोमो वो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर से सेथ रॉलिंस भी उनको बोलते हैं कि समर स्लैम जजमेंट डे के लिए एक एंडिंग स्टार्ट होगी एंड वहाँ पर से वो जजमेंट डे का एंड कर देंगे, उसके बाद जजमेंट डे खत्म हो जाएगा, वहाँ पर से एक स्टार्ट होगा जजमेंट डे का। एंड प्रोबेबली रिपोर्ट्स भी आ रही है कि समर स्लैम वो पेपर भी हो सकता है जहाँ पर से WWE जजमेंट डे का एंड स्टार्ट करेगी। एंड यही कुछ बोलने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही देते हैं। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो भाई तभी सारे के सारे जजमेंट डे के मेंबर्स रिंग में आ जाते हैं एंड सेथ रॉलिंस को घेर लेते हैं। यहाँ पर से सेथ रॉलिंस थोड़ा बचने की भी कोशिश करते हैं टेबल को उछाल करके, बट ऐसा नहीं हो पाता एंड ये चीज़ उनके ऊपर ही उल्टी पड़ जाती है। सारे के सारे जजमेंट डे के मेंबर्स उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं बहुत ही ब्रूटल वाला। यहीं पर उनको बचाने के लिए सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस भी आते हैं, लेकिन वो भी भाई एक काफ़ी ज़्यादा हैवी बीट डाउन लेते हैं। एंड आज के रॉ के एपिसोड की जो एंडिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अटैक के साथ होती है सेथ रॉलिंस पर। एंड भाई लिटरली आज के रॉ के एपिसोड काफ़ी ज़्यादा फैंस को पसंद आई है उसकी एंडिंग। एंड WWE को इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि जो चीज़ ऑडियंस को पसंद आ रही है WWE उस चीज़ को ही करे। तो बस भाई ये कुछ था आज का रॉ का एपिसोड। आप लोग को आज का रॉ का एपिसोड कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।